हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बिगेस्ट मल्टीवे स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। फाइनेंस सेक्टर की नंबर वन कंपनी है भाई, निफ्टी 50 का स्टॉक है। मैं खुद भी इस कंपनी में पिछले 7 सालों से मंथली SIP कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा भाई पैसा लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी इस कंपनी में मंथली SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर कभी भी करेक्शन में पोजीशन नहीं बनाते हैं, गिरावट जब होती है तो पोजीशन नहीं बनाते हैं, जब वही स्टॉक दौड़ने लगता है तो आप लोग पोजीशन बनाते हो। तो भैया इसमें गलती आपकी है। क्वालिटी कंपनी का शेयर में अगर 2-3% का गिरावट होता है, करेक्शन होता है, तो आप लोग पोजीशन बनाइए, यही सब स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न बना के देगा। लेकिन आप लोग इस बात को कभी भी नहीं समझोगे, स्टॉक जब चलता है ना तो आप लोग पैसा बनाते हो। आप लोग का भाई पैसा बना है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो वेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका ईयर रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 5,381.80 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 17,383.97 हो चुका है। तो देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 5,381 से 17,383 हो चुका है। और किसी भी ईयर में कमी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम में इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 5,481.23 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 17,400.85 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज, 5,418 से 17,400 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3,604.41 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 12,094.64 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 3,604 से 12,094 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 3,640.84 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 12,111.52 हो चुका है। तो देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 3,640 से 12,111 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हो भाई तो आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से बन सकता है। तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, नंबर वन कंपनी है भाई, निफ्टी 50 का स्टॉक है। मैं खुद भी इस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ, तो आप लोग भी इस कंपनी में मंथली SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में, तो कोशिश कीजिए क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाने का, यही सब कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बेस का शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 897.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 3,890.34 हो चुका है।
तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दर ईयर टीयर वाइज 897 से 3890 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। रिपोर्टेड पैड देख लो, रिपोर्टेड पैड में इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो पैड था वो 897.87 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 3890 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। क्वालिटी कंपनी है भाई, प्योर मल्टीवे स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, खरीद के रख लो, आपकी लाइफ बन जाएगी। आप लोग अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना। महंगा है भाई, लेकिन रिटर्न भी इसी कंपनी में बनेगा। बजाज फाइनेंस लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 12,559.17% टर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा। सेंसो का टर्न है वो 137.98% टर्न है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 1600-1700 रुपये से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ, हफ्ते में मैं 2 वीडियो तो डालती हूँ बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे। देखो भाई बजाज फाइनेंस में आज अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और भी कई सारी कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, और भी कई सारी कंपनी है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो भैया इन कंपनियों में आप लोग पैसा लगाओ, यही सब स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न बना के देंगे। लेकिन मुझे पता है आप लोग इस समय पैसा नहीं लगाओगे, जब ये स्टॉक जब दौड़ने लगेगा ना तो कूद कूद के खरीदोगे, पहले से तो पैसा लगाने आता नहीं आप लोग को। कुछ दिन पहले आपको बजाज फाइनेंस का शेयर 3800 रुपये मिल रहा था, आप लोगों ने पैसा नहीं लगाया होगा मुझे पता है। तो भैया क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाया जाता है, जब करेक्शन होता है ना 2%, 3%, 5%, 10%, तो आप लोग पैसा लगाइए, मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। एक एक शेयर खरीद के भी आप 20-30 सालों में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। डरिएगा तो पैसा नहीं बनने वाला है, ये प्रॉफिट बुकिंग भाई होते रहता है, मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है, कोई नई बात नहीं है। डर जाइएगा तो पैसा कभी नहीं बनेगा। क्वालिटी कंपनी का शेयर खरीदोगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 2-4 महीने में बजाज फाइनेंस का शेयर 5-6 हजार का हो जाएगा। तो भैया पैसा लगाओ, 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है, देख सकते हो 355.87% टर्न है, सेंसो का टर्न है 53.72% टर्न है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 62.78% टर्न है, सेंसो का टर्न है 14.21% टर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट है -2.34% टर्न है, सेंसो का टर्न है 0.74% टर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में 0.13% टर्न है, सेंसो का टर्न है -0.29% टर्न है। 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में -0.61% टर्न है, सेंसो का टर्न है -0.72% टर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में -2.14% टर्न है, सेंसो का है -0.92% टर्न है। तो भैया आप लोग बजाज फाइनेंस में पैसा लगाइए, बढ़िया कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, और भी कई सारी कंपनी में आप लोग इस समय पैसा लगा सकते हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब कंपनी में भी आप लोग पोजिशन बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करते रहिए, यही सब स्टॉक भाई आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा। आलतू फालतू कंपनी में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। बजाज फाइनेंस का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 56.15% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस है भाई 22.51% होल्डिंग है। आने वाले सालों में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 7.43% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 0.96% होल्डिंग है, अदर DA पर जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 1.22% होल्डिंग है, नॉन इस इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 11.37। कोई भी शेयर बजाज फाइनेंस का भाई प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 4% होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में वो 8% होल्डिंग है। वैल्यूएशन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, PE रेशियो है बजाज फाइनेंस का 51.58 का PE रेशियो है,
प्राइस टू बुक वैल्यू बजाज फाइनेंस का 11.33 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भाई बहुत ही गंदा है, बजाज फाइनेंस का 0.14% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी दे सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया है, 11.72% का है, जबकि भाई इनका फाइनेंस का बिजनेस है। आरओई देख लो 22.35% का, तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन देख लो भाई, वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो भैया ये स्टॉक आज से 10 साल पहले ही महंगा था, 7 साल पहले ही महंगा था, 5 साल पहले ही महंगा था, 1 साल पहले ही महंगा था, आज भी महंगा है, आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, मैं खुद भी इस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ, तो आप लोग भी इस कंपनी में मंथली SIP कीजिए। एक एक शेयर खरीद के भी आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। निफ्टी 50 का स्टॉक है, साल में 50 60 70 80% रिटर्न कहीं नहीं गया है। क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, बजाज फाइनेंस का एक्सलेंट बता रहा है भाई। सेल्स ग्रोथ देख लो 5 ईयर का, बहुत ही बढ़िया है, 34.76% का है। एबिट ग्रोथ देख लो 35.02% का, तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, 35% का भाई एबिट ग्रोथ लार्ज के कंपनी में बहुत बढ़िया माना जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 12,536% रिटर्न है, 5 साल में 965% रिटर्न है, 3 साल में 356% रिटर्न है, 1 ईयर में 62% रिटर्न है। तो देख सकते हो भाई कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के 20-25 सालों में करोड़पति अरबपति बन सकते हो। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और भी ये स्टॉक नीचे जाता है भाई तो और भी पैसा लगाओ। कोटक महिंद्रा बैंक को भी खरीदो, HDFC बैंक को भी खरीदो, रिलायंस इंडस्ट्री को भी खरीदो, ये सब कंपनी भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है आज। तो पैसा लगाते जाइए, एक एक शेयर खरीद के भी आप बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 4,296 रुपया, 52 वीक लो है 2,360 रुपया 95 पैसा। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है भाई, दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, आने वाले सालों में इस कंपनी का मार्केट कैप भाई 3 लाख करोड़ का भी होगा, 5 लाख करोड़ का भी होगा, 10 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा के रखिए, ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 60 70 80% तक रिटर्न बना के दे सकता है, अब क्या चाहिए। बजाज फाइनेंस का पी जो है 53.72 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 39.77 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले बजाज फाइनेंस का पी हाई है। अर्निंग पर शेयर देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है बजाज फाइनेंस का, 77.08 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड भाई बहुत ही गंदा है बजाज फाइनेंस का, 0.14% का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 2 का है। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, आज भाई अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भी ये स्टॉक नीचे आता है तो पैसा लगाइएगा, डरिएगा तो पैसा नहीं बनने वाला है, ये सब क्वालिटी कंपनी है, पैसा लगाते जाइए। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।